मायसेल्फ रतन सिंह पायल, ऑनलाइन क्लासेज के तहत आज अपन बात करेंगे हम बीएससी सेकंड ईयर का प्रथम पेपर थर्मोडायनेमिक्स की। उसके अंदर दो तीन टॉपिक जैसे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन और थोड़ा बहुत कार्नो इंजन भी अपन कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। नंबर एक बात कर ली उत्क्रमणीय प्रक्रम। या फिर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो बच्चों, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है यदि उसकी बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तनों को डायरेक्ट प्रोसेस के सापेक्ष विपरीत दिशा और विपरीत क्रम में आरोपित कर दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में वे ही अवस्थाएं पुनः प्राप्त होती हों तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर मैंने मुख्य एक बात बोली कि जैसे कोई निकाय ए है, उस निकाय के दाब और ताप में परिवर्तन किया तो वो निकाय चेंज होके बन गया आपका निकाय बी बन गया, ठीक बात ना। अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि निकाय ए का दाब और प्रेशर एंड टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो निकाय बी प्राप्त हुआ। अगर इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर कम कर देते हो विपरीत दिशा और विपरीत क्रम में, पुनः निकाय बी से निकाय ए प्राप्त हो जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है विपरीत दिशा व विपरीत क्रम में बाह्य अवस्थाओं को परिवर्तित करना है। इसके लिए आवश्यक शर्त है, तीन शर्त है इसके अंदर। नंबर एक शर्त तो यह है कि प्रक्रम के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं या प्रक्रम है वो बहुत ही धीमा होना चाहिए। प्रक्रम कैसा होना चाहिए, बहुत ही धीमा होना चाहिए। प्रक्रम के अंदर परिवर्तन है वो बहुत ही धीमे होने चाहिए। इसके बाद में नंबर दो है वो ऊष्मा हानि नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की ऊष्मा हानि नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन है वो निकाय और परिवेश के ताप और दाबों में अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निकाय यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में जो प्रेशर एंड टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट में देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिख क्या होगा, आप लिखोगे यदि किसी प्रक्रम में बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तनों को प्रत्यक्ष प्रक्रम के सापेक्ष विपरीत दिशा व विपरीत क्रम में आरोपित करने पर प्रत्येक स्थिति में वे ही अवस्थाएँ पुनः प्राप्त होती हों तो इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसकी तीन शर्त हैं कि प्रक्रम बहुत धीमा होना चाहिए, प्रक्रम के अंदर किसी प्रकार की ऊष्मा हानि नहीं होनी चाहिए, तीसरी बात अपन ने लिखी कि निकाय और परिवेश के बीच में ताप और दाबों का अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट अपना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अगला क्या बताया, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो नंबर दो अपन बात करेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या फिर इसको बोल दो इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो डेफिनेशन देने के लिए अपने दो प्रकार से दे सकते हो आप, तो या तो ये बोलो कि यदि कोई प्रक्रम उत्क्रमणीयता की शर्तों की पालना नहीं करता है, उत्क्रमणीयता की जो दो तीन शर्तें थी उनकी पालना नहीं करता तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। या फिर आप ऐसे बोलो यदि किसी प्रक्रम से संबंधित बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तनों को प्रत्यक्ष प्रक्रम के सापेक्ष विपरीत क्रम व विपरीत दिशा में आरोपित करने पर प्रत्येक स्थिति में पुनः वे ही अवस्थाएँ प्राप्त नहीं होती हों तो इसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके,
एग्जाम्पल नंबर एक आप ये कर सकते हो ऊष्मा संचरण, ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं, ऊष्मा संचरण की विधियां ये सारी सारी क्या हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। नंबर दो आप लिख सकते हो घर्षण, घर्षण के द्वारा जो ऊष्मा हानि होती है, घर्षण से होने वाली ऊष्मा हानि ये भी क्या है, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को पुनः घर्षण के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरा आप बोल सकते हो जूल प्रभाव, जूल प्रभाव जब किसी वायर के अंदर आप करंट फ्लो करते हो तो हीट उत्पन्न होती है, उसी हीट से पुनः आप विद्युत ऊर्जा को बनाना चाहो तो प्रत्येक स्थितियों में वही अवस्थाएं प्राप्त नहीं होंगी, तो वो आपको क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। तीन आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं सारी सारी रासायनिक अभिक्रिया भी क्या है, अनुत्क्रमणीय या फिर उत्क्रमणीय नहीं होती हैं। इसके बाद में देखो उत्क्रमणीय प्रक्रम एक आदर्श स्थिति है, यानी वो एक आइडियल केस है, वो कभी वास्तव में प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक रूप से सारे के सारे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को छोटे छोटे उत्क्रमणीय प्रक्रमों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का एक छोटा सा भाग उत्क्रमणीय होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन यानी ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करती है। इसका मुख्य काम क्या है कि यह ऊष्मा लेगी और क्या करेगी, कार्य करेगी, हीट को वर्क में चेंज करती है। इसके अनिवार्य रूप से तीन भाग होते हैं, अनिवार्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला भाग है इसका ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत यानी हीट सोर्स, ठीक बात है ना। हीट सोर्स का ताप ऊंच होता है, ताप ऊंच, और इसकी जो धारिता है, धारिता अनंत ली जाती है, धारिता अनंत ली जाती है। देखो ऊष्मा स्रोत से हीट इंजन ऊष्मा लेता है, ठीक बात ना। इसकी धारिता अनंत होने का अर्थ है कि अगर हीट सोर्स से ऊष्मा ली जाएगी तो उसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो दूसरा भाग है वो यांत्रिक व्यवस्था, यांत्रिक व्यवस्था वह कार्यकारी पदार्थ, वह कार्यकारी पदार्थ मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सबस्टेंस। देखो यांत्रिक व्यवस्था के रूप में पिस्टन युक्त सिलेंडर काम में लेते हैं, पिस्टन युक्त सिलेंडर काम में लेते हैं जिसकी दीवारें हैं वो कुचालक होती हैं, दीवारें क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, और तली है उसकी क्या होती है, सुचालक होती है। फिर बाद में कार्यकारी पदार्थ के रूप में आप आदर्श गैस काम में ले सकते हो, आदर्श गैस सैद्धांतिक रूप से आदर्श गैस काम में ली जाती है, या आइडियल रूप से आइडियल गैसें काम में ले सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से यहाँ पर आप वायु काम में ले सकते हो या वास्तविक गैस काम में ले सकते हो, वास्तविक गैस काम में ले सकते हो, ठीक है। यानी क्या बात की मैंने, यांत्रिक व्यवस्था के रूप में पिस्टन युक्त सिलेंडर होता है जिसकी दीवारें कुचालक और तल है वो क्या होता है, सुचालक होता है, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपन काम में लेते हैं आइडियल गैस या फिर वास्तविक गैस। व्यवहारिक रूप में वास्तविक गैस हैं और आइडियल स्थिति के लिए अपन क्या लेते हैं, आइडियल गैसें काम में लेते हैं। ये गैस इस सिलेंडर के अंदर डालते हैं और ये सिलेंडर का जो पिस्टन है, जैसे गैस जैसे प्रसारित होगी तो पिस्टन ऊपर उठेगा तो कार्य होगा, या पिस्टन को दबाएंगे तो निकाय के ऊपर कार्य किया जाएगा। तीसरी जो बात है वो है ऊष्मा सिंक, हीट सिंक। देखो ऊष्मा सिंक का ताप है वो कम लिया जाता है या कम रखा जाता है, और इसकी जो धारिता है, धारिता है वो क्या होती है, इसकी भी अनंत होती है। कार्य करने के बाद में जो ऊष्मा बचती है वो ऊष्मा सिंक
हीट इंजन के द्वारा ऊष्मा सिंक में त्यागी जाती है। ऊष्मा धारिता अनंत होने के कारण उसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो ये तो इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका सैद्धांतिक चित्र या फिर थ्योरेटिकल डायग्राम। हाँ, तो अगला अपना टॉपिक है ऊष्मा इंजन का सैद्धांतिक चित्र। ऊष्मा इंजन के अंदर अपने तीन बातें कर ली, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा सिंक और यांत्रिक व्यवस्था और कार्यकारी पदार्थ है। तो इसके अंदर देखो, ये तो होता है अपना ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन, इसके बाद में ये T2 केल्विन पर ऊष्मा सिंक है, ऊष्मा सिंक है, और ये आपका वर्किंग सबस्टेंस यानी यांत्रिक व्यवस्था है। देखो ये यांत्रिक व्यवस्था यहां से Q1 ऊष्मा लेगी, ऊष्मा स्रोत से। इस ऊष्मा में से कुछ कार्य कर दिया जाएगा, कुछ कार्य कर दिया जाएगा, बची ऊष्मा को ऊष्मा सिंक के अंदर त्याग दी जाएगी। तो इस प्रकार से देखो इसका सैद्धांतिक चित्र है, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा सिंक, और ये कार्य कर दिया इसने। ऊष्मा स्रोत से T1 केल्विन पर इसने ऊष्मा Q1 ली, कार्य W किया, बची ऊष्मा को, शेष ऊष्मा Q2 को ऊष्मा सिंक के अंदर उसने त्याग दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे होगा ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो दक्षता के रूप में देखो डेफिनेशन आप इस प्रकार से बोल सकते हो, किसी ऊष्मा इंजन के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य और स्रोत से ली गई ऊष्मा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, ऊष्मा इंजन की दक्षता बोलते हैं। तो दक्षता का जो फॉर्मूला है आप इस प्रकार से ले सकते हो, एटा इक्वल टू किया गया उपयोगी कार्य अपॉन ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मा, ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मा। उपयोगी कार्य तो क्या हुआ आपका, डब्लू हुआ, और ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा कितने ली उसने, Q1 ली। ठीक बात है ना, ये इक्वेशन नंबर आपने एक दे दी। इसके बाद ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, गतिकी के प्रथम नियम से अपन क्या ले सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। तो देखो यहां डेल क्यू तो आपका कितना है, Q1 ऊष्मा ली और त्याग दी Q2, फिर बाद में DU यहां पर क्या है, 0। क्यों, क्योंकि ऊष्मा इंजन एक चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। चक्रीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, या फिर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। यहां पर DW या डेल W जो लिखा अपन ने वो आपका किसके बराबर है, W के बराबर है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 से Q1 माइनस Q2 इक्वल टू आपका कितना आ गया, W आ गया। ये समीकरण नंबर आपकी 3 होगी। समीकरण 3 से मान, 3 से मान 1 में रखने पर यह आपका एटा इक्वल टू प्राप्त हो गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये एटा आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा पॉइंट इसी के अंदर जोड़ देते हैं, बाद में दोनों सेम इसलिए एक साथ ही कर लेते हैं। कार्नो इंजन के जो भाग हैं, कार्नो चक्र और कार्नो इंजन की जो दक्षता है उसका फॉर्मूला अपन बाद में करेंगे। देखो कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है की कल्पना की गई, आदर्श इंजन के रूप में कल्पना की गई, और इस कल्पना करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था, सादी कार्नो। ठीक बात है ना, तो मैं बात कर रहा हूं कार्नो इंजन के भाग, इंजन के भाग। इसके 4 भाग लिए गए हैं, कितने भाग लिए गए हैं, 4 भाग, वो ही सेम भाग हैं। इसके अंदर भी नंबर 1 है ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत। नंबर 2 है
उष्मा सिंक, उष्मा सिंक। तीसरा इसके अंदर भी क्या है, कार्यकारी पदार्थ। और नंबर चार है इसमें स्टैंड। तो लगभग सेम वही बातें हैं, तो एक साथ अपन कर लेते हैं। पहला क्या होता है, उष्मा स्रोत, उष्मा सिंक, कार्यकारी पदार्थ और स्टैंड। इसका जो डायग्राम आप इस प्रकार से ले सकते हो, तो ये तो हो गया आपका पिस्टन युक्त सिलेंडर, ये तो पिस्टन लिखा, और ये आपका क्या है, आपका सिलेंडर, और इसके अंदर क्या डालते हैं, कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ डाल देते हैं। इसकी ये दीवार कुचालक है, ये पिस्टन, ये भी कुचालक है, और ये क्या है, सुचालक है। इसके जस्ट नीचे इतना ही बड़ा आकार का एक होता है स्टैंड, ये आपका क्या है, स्टैंड है। इसके बाद में ये जो है, अब देखो ये आपका उष्मा स्रोत है, इसकी धारिता भी अनंत है, टेम्परेचर T1 हाई होता है। इसके बाद में ये आपका उष्मा सिंक है, उष्मा सिंक, इसका टेम्परेचर T2 केल्विन, और ये आपका ये भी क्या है, धारिता अनंत होती है। ध्यान देने वाला, ये जो डॉटेड लाइनें हैं ये सुचालक हैं, सुचालक, ये भी सुचालक है, ये भी सुचालक है, और ये भी क्या है, सुचालक है। ठीक बात ना, जब इसका चक्रीय प्रक्रम करेंगे तो इस जो सिलेंडर है या यांत्रिक व्यवस्था है, इसको अलग अलग जगहों पे अपन रखेंगे। ठीक बात है, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। देखो कार्नो इंजन के मुख्यतः चार भाग हैं, चार भागों में उष्मा स्रोत जिसका टेम्परेचर हाई रखा जाता है, और इसकी धारिता इसकी क्या होती है, इसकी भी अनंत होती है। यहाँ कार्यकारी पदार्थ है, यहाँ से उष्मा लेता है, और वो T1 केल्विन पर यहाँ से उष्मा Q1 ग्रहण करेगा। दूसरा भाग है उष्मा सिंक, उष्मा सिंक है, उसका टेम्परेचर लो रखा जाता है, और इसकी धारिता भी क्या होती है, अनंत होती है। फिर ये आपका पिस्टन युक्त सिलेंडर है जिसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है, कार्यकारी पदार्थ यहाँ पर कार्नो इंजन के लिए अपन लेंगे आदर्श गैस लेंगे, आइडियल गैस के अंदर क्या लेंगे, आइडियल गैस ही लेते हैं। ठीक बात ना, इसकी दीवारें किस प्रकार की हैं, बहुत बार बोला जा चुका है, ये दीवार कुचालक है, और ये नीचे वाला भाग ये क्या है, सुचालक है। इस पिस्टन युक्त या फिर इस यांत्रिक व्यवस्था को बीच में रखने के लिए अपने पास ये कुचालक क्या है, सिलेंडर है। थैंक यू।